सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एहरीबल को। जी हाँ, जो भी हमारे यूट्यूब पे आज नए आए वो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन उसे ऑल पे सेट कीजिए, तब भी जब हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चले हम आज जाएंगे एहरीबल को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ है मेरा दोस्त फैजल भाई एंड मैं, हम जा रहे हैं अपनी इस पारो पे। ये हमारी पारो, इस पे जाएंगे, पहले इसका तेल भरेंगे, मिलते हैं आपको रास्ते में। फिर बर्फ पे स्कूटी चला रहे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है स्कूटी को चलाने में। इस पे एडवेंचर का कुछ अलग ही मजा है भाई, है कि नहीं? मजे ले लो, मजे बर्फ के ऊपर गाड़ी चलाओ, पूरे मजे ले लो। तो गाइस, हमारा जो आज का जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना था एहरीबल, वो हम पहुंच चुके हैं। गाइस आप देख सकते हो हमारे पीछे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। एंड जो है यहाँ से मेन गेट है, ये फैजल भाई। फैजल भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक? भाई बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था यहाँ तक, तो चले हम फिर भी हम आए यहाँ से। हाँ, तो फिर हमने कोशिश की कि हमको, हमने घर से ठान ली कि हम एहरीबल जाएंगे वाटरफॉल तक, तो हम जाएंगे यहाँ से अंदर। आई थिंक मैंने कल देखा था एक एक्सप्लोर कश्मीर की टीम आई थी यहाँ पे, तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे रास्ता नहीं बना था, बट अभी रास्ता जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो हमारे पीछे पूरा जो रास्ता है वो तैयार कर दिया यहाँ के जो मैनेजमेंट, इसको जो रखते हैं मैनेजमेंट का ध्यान वगैरह। मेरे पीछे फैजल भाई भी चल रहे हैं। यार पहाड़ देखो कितना अच्छा है यार, वाओ अमेजिंग यार, कितना प्यारा सा पहाड़ है। यहाँ से फैजल भाई जा रहा है नीचे एंड मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ता जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर कोई गया ही नहीं है, एक पाँव का जितना ही रास्ता है, चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मैं भी वो जा रहा है फैजल भाई एंड हमें वहाँ तक जाना है ऊपर, वहीं पर वाटरफॉल है, चल रहे हैं भाई। तो भाई लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता पैर फिसल गया ना तो पूरा हम जाएंगे पहाड़ी, और नीचे देखो कितनी बड़ी खाई है, वो देखो भाई खाई कहाँ। फैजल भाई जा रहे हो? देखो भाई खुदा ना खास्ता अगर हमारा पैर फिसल गया तो हम नीचे जो खाई है ना पूरा उधर जा सकता है बंदा। अब रास्ता देखो, पाँव इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर आप भी आना चाहोगे तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा, आपके पास शूज़ जो होना चाहिए वो लॉन्ग शूज़ होना चाहिए। जी हाँ, जो शूज़ लॉन्ग आता है वही आपके पास होना चाहिए। देख सकते हो मेरे पीछे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है इन पहाड़ों के ऊपर, एंड जो वो पहाड़ जा रहा है ऊपर से, उसके ऊपर से रास्ता जाता है, वो जाता है दूसरे ज़िले से, हमारे ज़िले को वो दूसरे ज़िले से जोड़ता है जिसे कहते हैं शोपियान। एंड भाई यार मेरे जूते में इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी, पूछो मत, इतनी ज़्यादा बर्फ़ मेरे जूते के अंदर गई है ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड फैजल भाई मेरे आगे आगे चल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ भाई ना कोई आया है इसलिए कि ना हमें आसानी हो जाती है अब चलने की, क्योंकि आगे जो है रास्ता साफ है, अब कोई टेंशन नहीं। खतरे भरा जो रास्ता था वो यहाँ से था भाई, खुदा ना खासा अगर ऊपर से गिर जाते ना तो सीधे मौत की घाट। देखो भाई ये एहरीबल के अंदर बोर्ड लगा है वाटरफॉल से पहले, क्योंकि जो रास्ता है ना यहाँ से पत्थर नीचे आते हैं, इस पर भी लिखा है कि आप आराम से चले, ध्यान देख के चले, क्योंकि ऊपर से जो पत्थर आते हैं वो नीचे जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं झरने के पास। जी हाँ, फाइनली हम पहुंच चुके हैं झरने के पास। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पानी का झरना है वो वहां से, जो पानी का झरना है वहां से आ रहा है नीचे। आपको मेरी आवाज बहुत कम आ रही होगी, बट यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो पानी है वो ज्यादा ऊपर से आ रहा है, इसलिए आपको मेरी आवाज कम धीरे आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो आप भी, आप देख सकते हो जो हमने घर से ठान ली थी कि हम एहरीबल तक जाएंगे पूरा, आपको वाटरफॉल तक लेके जाएंगे, बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। गाइस आप देख सकते हो हमारे पीछे फैजल भाई, ये
आपको उम्मीद थी कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे भाई? मुझे रास्ता देखकर लग रहा था कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की जी। हमने दिल में ठान ली कि हमको एरिबल तक जाना है, तो फाइनली हम पहुँच चुके। अब मैं आपको यहाँ का सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। चलिए फिर इन सिनेमैटिक शॉट को आप इंजॉय कीजिए। तो गाइज, हमको ये व्लॉग जो है यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने गर्म कपड़े पहन के लाए थे घर से, मैंने सोचा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बट उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी यहाँ पे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। एंड दूसरा व्लॉग भी एरिबल के ऊपर ही होगा, इसलिए पार्ट वन एंड पार्ट टू भी आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कीजिए, तब भी जब हम कोई वीडियो अपलोड करें उस वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एंड वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।